वी द पीपल हम भारत के लोग में कहा जाता है कि वी द पीपल हम भारत के लोग भारत के सभी समण समाज के लिए हैं और पूरी दुनिया में जो भी भारत का समण है, समण समाज का है, वो इसका सदस्य है, वो इसका मेंबर है, जहाँ भी है, जैसे भी है, सारा समण समाज उसका ये समण संघ है। यानी जो ये संघ है, इसमें समण तरह के लोग पूरी दुनिया में जो भारत से गए हैं, कहीं भी हैं, वो इसके मेंबर हैं। तो समझे समण है क्या। समण जो शब्द है उसको बाद में शर्मण किया गया है। पहले समझें कि समण का मतलब क्या है। समण का मतलब है जो समता में रमण करते हैं, जो समता में रमते हैं, जो समता में रहते हैं, जो समता को पसंद करते हैं, जो इक्विटी को, इक्यूमिनिटी को पसंद करते हैं, वैसे लोग। और जो दूसरे प्रकार के लोग यहाँ बताए गए हैं बुद्ध और बुद्ध के साहित्य में और बुद्ध से पहले भी, उनको वमण बोलते हैं। वम का मतलब होता है विपरीत, यानी जो समण लोग हैं उनके विपरीत जो लोग हैं उनको वमण बोलते हैं। तो यहाँ समणा और वमणा का जिक्र बार बार आता है। समण को जब पाली से, पुरानी भाषा से मॉडिफाइड किया गया, संस्कृत किया गया, तो इसको शिरमण किया गया। दरअसल जो श्रेय शब्द है वो पाली में नहीं है, क्योंकि जो श्रेय शब्द है वो आधे श्रेय और आधे रय से मिलकर बना हुआ है। और श्रेय जो सलजम वाला है, षटकोण वाला है, या जो विषय में श्रेय आता है, ये श्रेय भारत के नहीं है, पाली के अंदर नहीं है। पाली में सिर्फ एक सह होता है, जो संसार वाला, जो मेरे नाम सुधीर में आता है, सह वाला। तो समण का मतलब होता है समता में रमण करने वाला, और शर्मण का मतलब होता है जो बाद में बताया गया, श्रम करने वाला। दरअसल पाली में श्रम जो है कोई शब्द है नहीं, तो श्रम को बाद में बदला गया। यानी समण का श्रमण किया गया, उसका अर्थ भी बदला गया। समता में रहने वाले को बोला गया कि ये मेहनत करने वाला है, ऐसा करके मेहनत कष्ट करके बोला गया। तो ये माना गया कि जो उसके विपरीत लोग हैं, जो वमण हैं, वो मेहनत कष्ट नहीं है। तो साफ होता है कि जो समण हैं, शर्मण हैं, उनको मेहनत कष्ट माना गया। हालांकि पाली पुरानी भाषा में कहीं भी मेहनत कष्ट को श्रम या श्रमिक या नहीं बोला गया, सामनेर बोला गया है। सामनेर का मतलब है जो समता में रहने वाले लोग हैं, जो सिखाते हैं और सीखते हैं, उनको सामनेर या सामनेर बोला गया है। तो यहाँ हम जो समण समाज बोलते हैं, इसका मतलब समता में रहने वाला भारत का जो पूरा का पूरा समाज है, जो समता में रमण करता है, वो है। और वो सारा समाज सारे काम करता था, वो व्यापारी था, वो किसान था, वो यहाँ उद्योग धंधे बनाता था, जो घरेलू उद्योग धंधे हैं उनको चलाता था, वो दूर दूर तक आने जाने का व्यापार करता था। वही लोग यहाँ के रक्षक थे, वही सिपाही थे, वही सेना थे, वही सारे लोग यहाँ काम करते थे। वही समण जितने भी लोग हैं, उन सबकी सारी जमीन जायदाद और सत्ता सब खलियान उनके होते थे, और राजा भी सारे समण ही होते थे, बुद्ध भी समण थे और महावीर जैन भी समण थे। इसलिए ये समण संघ है, उन्हीं लोगों का समण संघ है। समण का मतलब इतना ही है। कोई अगर इसको शर्मण बोलता है या शर्मण संस्कृति बोलता है, तो उसका समण संस्कृति से, समण संखति से कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि शर्मण संस्कृति बुद्ध के बाद में समण संखति को बदल के शब्द लिया गया, उसका अर्थ बदला गया, उसका काम बदला गया। और उन लोगों के दिमाग में ये बात डाली गई कि तुम तो खाली श्रम करने वाले लोग हो, मेहनत करने वाले लोग हो, जबकि वो समता में रह जाने वाले लोग थे। इसलिए शर्मण में और समण में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ हम जो टर्म्स इस्तेमाल करेंगे वो समण संघ इस्तेमाल करेंगे, शर्मण संघ नहीं करेंगे। शर्मण संघ हमारा शब्द नहीं है, शर्मण हमारा शब्द नहीं है, श्रम और श्रम संस्कृति हमारे शब्द नहीं है। धन्यवाद।